हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। जैसे कि विंटर्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर मौसम चाहे कोई भी हो, स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा होती ही रहती है। तो फिर काफ़ी लोगों ने मुझसे एक अच्छे मॉइस्चराइज़र के लिए पूछा था, तो फिर आज मैं एक ऐसा ही अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके लिए लेकर के आई हूँ जो विंटर्स में आपकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक करेगा। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी हुई है तो उसे भी कम करेगा। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, अगर आपने कोई भी हाइड्रोक्विनोन क्रीम का इस्तेमाल किया है और आपकी स्किन पर कोई भी क्रीम काम नहीं करती है, तो इस क्रीम के जरिए आप अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हैं। आपकी जो स्किन की ऊपरी लेयर निकल चुकी है, इससे धीरे धीरे वो भी आएगी, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो ये आपकी स्किन को तो ठीक होने का काम करेगा ही, और भी सारी जो भी प्रॉब्लम होती है स्किन की उनसे भी आपको बचाएगा, और एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की तरह भी आपकी स्किन पर काम करेगा, आपकी स्किन को ड्राई कीकी फेकी नहीं होने देगा। और सबसे अच्छी बात, ये अफोर्डेबल है। 135 इसका प्राइस है, 2 साल की इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाती है। 135 में आपको 50 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये प्रोडक्ट। एलोग्रास क्रीम लाइफ स्टार कंपनी के द्वारा बनाई गई क्रीम है और 135 इसका प्राइस है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी, साथ ही साथ ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। 2 साल की इसकी एक्सपायरी डेट रहती है। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, नो साइड इफ़ेक्ट है, हर स्किन के लिए बहुत ही सेफ़ है। इसमें विटामिन ई है, एलोवेरा जेल है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी हो उसे दूर करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। हनी है और उसके अलावा ग्रीसलिन है, सिट्रिक एसिड है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। ये एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये जो ऊपर जो डेड सेल्स आपकी स्किन पर जम जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई रहती है, उसको ठीक करेगा। काले धब्बे पड़ गए हैं, सफ़ेद धब्बे हैं या फिर ब्राउन स्पॉट हैं, उन्हें धीरे धीरे लाइट करेगा, तो बेस्ट है विंटर्स के लिए। और अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो ये उसे भी ख़त्म करता है और उसके साथ ही चेहरे से झुर्रियों को भी ये कम करता है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको दिन में 2 बार इसका यूज़ करना है। मॉर्निंग में करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद में आपको इस मॉइस्चराइज़र को लगा लेना है। नॉर्मल मॉइस्चराइज़र की तरह ही लगाना है, साइड इफ़ेक्ट इसका बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको नेचुरल भी कह सकते हैं, कोई भी मेडिकेटेड क्रीम नहीं है ये, आप नेचुरल ही समझकर इसका यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। ध्यान रखें, कोई भी आप अगर माइल्ड फेस वॉश यूज़ करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श फेस वॉश का यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें ख़राब कर देता है, और आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा डेड होती जाती है, केकी फेकी ड्राई होती जाती है। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता, इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी कोई भी माइल्ड फेस वॉश का ही यूज़ करें अपने फेस पर। फेस को वॉश करने के बाद में आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर के इस क्रीम से अच्छे से अपने फेस में मसाज कर लेनी है। 10 मिनट रुकना है और सनस्क्रीन लगा लेनी है। किसी भी चीज़ का आप इफेक्ट देखना चाहते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो इफेक्ट नहीं मिलेंगे, आपकी स्किन ख़राब ही होगी। आपको अभी नहीं पता चलेगा लेकिन कुछ सालों बाद आपको एजिंग की प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी होने लग जाएंगी। इस तरह से आपको मॉर्निंग में लगानी है। रात को भी आप जब भी सोने जाएं, सोने से पहले माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर के आपको 3 से 4 मिनट अपने फेस पर मसाज करनी है, फिर ऐसे ही छोड़ देना है। रात भर ऐसे ही छोड़ना है, फिर मॉर्निंग में ही अपने फेस को वॉश करना है। बहुत ही ईजी है, आप नाइट क्रीम की तरह और डे क्रीम की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं एलोवेरा, विटामिन ई, हनी, ये सब बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। इनमें क्या साइड इफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं है और अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। और उसके साथ ही अगर आपने हाइड्रोक्विनोन क्रीम का इस्तेमाल किया है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ही आपको तब भी इसका यूज़ करना है, मॉर्निंग में एंड नाइट में। इसके अलावा आपको अपने स्किन पर कोई और प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें कि आपकी स्किन पहले रिपेयर हो पाए, यानी कि पहले जैसी थी वैसी हो पाए। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तब वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। तो पहले मैं आपसे कहूँगी 3 महीने आप इस क्रीम को यूज़ करके देखिए, जब आपकी स्किन पहले जैसी हो जाए, रिपेयर हो जाए, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका पूरा पूरा इफेक्ट आपको मिल पाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।